भारत में रहना है तो भारत का समर्थन करो, नहीं तो फिर उस देश में रहो जिस देश का समर्थन करते हो। ये मैं नहीं, ये कहना है क्रिकेटर राहुल तेवतिया का। दरअसल इस वक्त भारत में दो मुहिम चल रही हैं। एक और कुछ लोग ऑल आईज ऑन रफा का पोस्ट करके रफा शहर के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान का ट्रेंड चला रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य समुदाय के लोगों पर क्रूरता हो रही है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब दो हिस्सों में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ रफा शहर को सहानुभूति दे रहे हैं क्योंकि रफा में इसराइल ने हाल ही में हमला किया था जिससे करीब 40 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद सहानुभूति जायज सी बात है, लेकिन अगर एक मुहिम की तरह ये शुरू किया जाए जिसे कुछ भी कोर ना पता हो तो फिर शायद लगता है कि एक रेस है जहां पर सब भागना चाहते हैं। और अब कुछ इसी तरह से ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान चल रहा है। राहुल तेवतिया ने सबसे पहले इस ट्रेंड की शुरुआत की, ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, जिसके बाद ये ट्रेंड देखते ही देखते आग की तरह फैलने लगा। इसके बाद कुछ लोगों ने तेवतिया को ट्रोल करना शुरू किया, तमाम बातें कहनी शुरू कर दी, लेकिन तेवतिया डरे नहीं और झुके नहीं। इसके बाद तेवतिया का एक और पोस्ट आता है। तेवतिया अपने एक पोस्ट में लिखते हैं, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस देश में रहते हो उसका समर्थन करो, नहीं तो उस देश में जाकर रहो जिस देश का समर्थन करते हो। देखिए, अपने जगह पर शायद राहुल तेवतिया सही है, क्योंकि अगर आप किसी और देश में समर्थन व्यक्त करते हो और अपने देश की बुराई करते हो तो शायद आप गलती कर रहे हो। क्रिकेटर राहुल तेवतिया से पहले जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा, उनकी धर्मपत्नी रितिका ने एक पोस्ट डाला था ऑल आईज ऑन रफा, और ये पोस्ट पढ़ते ही आग की तरह फैलने लगा, और जिसके बाद ट्रोलिंग का बहुत शिकार हुई रितिका। हालांकि उन्होंने कुछ देर बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने भी ये पोस्ट डाला था पर डिलीट कर दिया, लेकिन राहुल तेवतिया ने इसके ठीक उलट हिंदुओं के लिए पोस्ट डाला ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। लाजमी सी बात है, उनको भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा होगा, उनको भी कुछ सुनने को मिला होगा, लेकिन उसके बाद वो एक और पोस्ट डालते हैं जहां वो कहते हैं या तो भारत का समर्थन करो नहीं तो उस देश में रहो जिस देश का समर्थन करते हो। अंकित बयानपुरिया जो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया, और उसके बाद रफा शहर के अलावा जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख रह रहे हैं उनके लिए भी एक मुहिम चल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों के साथ बड़ी क्रूरता हो रही है जिसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और रफा शहर की अगर बात की जाए तो इसराइल ने रफा शहर पर हमला किया था जहां करीब 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, हमला हुआ था, और उसके बाद हमले में अमूमन हमला हो या फिर किसी पर अन्याय हो इसमें नुकसान आम आदमी का होता है, क्योंकि जो कोई भी वहां पर रह रहा होगा अगर किसी बड़े व्यक्ति की बात की जाए तो वो सेफ होगा क्योंकि उसको पहले से अपनी सेफ्टी पता है, पर जो आम नागरिक होते हैं जो सुकून ढूंढते हैं वो शायद इस चीज़ से जागरूक नहीं होते, उनको नहीं एहसास होता है कि क्या हो सकता है उनके साथ, क्योंकि पिस्ता आम आदमी ही है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू या फिर गाजा में रह रहे लोग, नुकसान इन्हीं का हो रहा है क्योंकि जो एक दूसरे तरफ से अटैक कर रहे हैं इनमें नुकसान उनका किसी भी तरह से नहीं है क्योंकि वो अपनी सेफ्टी पहले से कर लेते हैं। और युद्ध और क्रूरता किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता है, ये कई दिनों से बात चल रही है, हमने कई बार देख रखा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, हमने ये सब देख रखा है, हल ये हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद ये बड़े लोगों को समझ नहीं आता है। आपकी क्या राय हमें कॉमेंट करके बताइए, तब तक के लिए देखते रहिए वरना हिंदी।